नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा की आज बनाने जा रही हूँ चिली पनीर इंडियन स्टाइल से, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हमें कढ़ाई में पैन लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। उसमें 2 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल लेंगे, जिसमें हमें पनीर को फ्राई करना है। ये मेरा 200 ग्राम पनीर है, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 2 टमाटर मीडियम साइज, 2 शिमला मिर्च मीडियम साइज, 1 बड़ी प्याज, कुछ अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियां, जिनको मैंने काट लिया है सभी को। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने जो पनीर है इसे फ्राई कर लेंगे। जो चाइनीज रेसिपी होती है उसमें पनीर को कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च में कोट कर करके फ्राई किया जाता है, लेकिन हम इन्हें सिंपली फ्राई करेंगे। इन्हें पलट देंगे और ये देखिए मैंने इस तरह से ने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जो सिक चुके हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और जो अभी नहीं सिके हैं उन्हें हमें कढ़ाई में ही रहने देंगे और सभी को इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे और कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए मेरे पनीर अच्छी तरह सिक चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें सेलो फ्राई किया है। अब जो मेरी कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं इसे निकाल लूँगी और मैं थोड़ा सा ऑयल ही यूज करूँगी, 1 टेबल स्पून। जितना ऑयल हमें चाहिए था उतना ऑयल कढ़ाई में रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। पहले लहसुन डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। ये देखिए लहसुन हमारा भुन गया है, हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जीरे के बिना हमारी कोई भी रेसिपी पूरी नहीं होती है, इंडियन रेसिपी। अब हम प्याज डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें अदरक, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा अदरक प्याज सब भुन गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब डालेंगे इसमें हल्दी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या स्वाद अनुसार, धनिया 1 चम्मच और कुछ गरम मसाला, अब डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे ताकि ये सारा मसाला हमारा अच्छे से भून जाए और जो टमाटर है वो भी हमारे गल जाए। ठीक है, हीट को हम कमी रखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक हम हीट कमी रखेंगे। बस एक बार ऑयल गर्म कर लेंगे, उसके बाद हीट को कम रखेंगे, वरना हमारी सारी चीज़ जल जाएंगी या नीचे लग जाएंगी। अब हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे टमाटर सब अच्छे से मैश हो गए हैं। इन्हें अच्छे से चला लेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी शिमला मिर्च। इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर इसे भी हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और हीट को हम कमी रहने देंगे। 2 मिनट अब हमें दोबारा नहीं डालना है, बस हमें एक ही बार डालना था पानी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ना ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। तब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर हमारा पहले से भुना हुआ है और सब चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट के लिए हम फिर से इसे ढक देंगे। ध्यान रहे हीट में कमी रखनी है, वरना हमारा नीचे से जल जाएगी सब्जी। चिली पनीर की जो चाइनीज रेसिपी होती है उसमें हम इन मसालों की जगह सॉस का इस्तेमाल करते हैं, सोया सॉस, सिरका वगैरह का, और उनकी कटिंग भी अलग होती है, मोटी मोटी, लेकिन इसमें हमने सबको बारीक काटा है। आप मन चाहे आकार से काट सकते हैं, इंडियन जो रेसिपी हम बनाते हैं, लेकिन चाइनीज में मोटा मोटा काटते हैं।
ये फ़र्क है। और एक इसमें अजीनोमेटो का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है रेस्टोरेंट जैसे, लेकिन वो हमें नुकसान देते हैं, इसलिए हम इसमें सिंपल नमक का इस्तेमाल करेंगे इंडियन रेसिपी में। और ये देखिए हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गए हैं, कितनी अच्छी बनी है आप देख पा रहे होंगे। आपको ध्यान हो जब इंडिया में मैगी बन रही थी तो उसमें अजीनोमेटो ही पाया गया था जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता था, जो स्लो पॉइजन का काम करता था, इसलिए हमें अजीनोमेटो नहीं खाना चाहिए। और ये देखिए हमने इसे एक बाउल में कर लिया है, अब हम इसे रोटी पराठा चाहे जिसके भी साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है और हमारी ये सब्जी बहुत ही हेल्दी है। प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरह की नई नई रेसिपियाँ लेकर आती रहती हूँ देखने के लिए। थैंक।